अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे हैं। नोटबंदी के बाद से तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वालों की संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बाद से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर से जहां लोगों को सुविधा मिली, वहीं मुश्किलें भी बढ़ी हैं। RBI और बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों का अंबार लगने लगा है। वहीं थाना मझूला की चौकी लाकड़ी चौकी के अंतर्गत प्राइवेट फॉर्म के कर्मचारी के मोबाइल पर उसके फॉर्म मालिक के ईमेल से एक मैसेज आया कि 30,000 रुपए डाल दो। इसके बाद अभिजीत पर दोबारा एक मैसेज आया कि 50,000 और डाल दो, जिसके बाद उन्होंने कुल मिलाकर 80,000 रुपए अकाउंट में डालने के बाद जब उन्होंने कंपनी के नंबर पर कॉल की तो उनको ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद अभिजीत साइबर थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई और इंसाफ की गुहार लगाई। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। 30,000 मांगा एक बार, 50,000 मांगा, अगला जब 30,000 फिर से मांगने लगा तो पता चला कि ये तो गलत ईमेल आईडी से आ रहा है, ये तो अपना है ही नहीं। कुल मिला के कितने रुपए आपके? 80,000 रुपए तो फिलहाल गए हैं जी। 80,000 गए। अब कहाँ पहुँचे? उसी को साइबर सेल में हम जो अंडर 1 लाख का जो है जी जी, 1 लाख से नीचे का कंप्लेंट दर्ज करने आए हैं जी जी। क्या कहा अधिकारियों ने? अभी तो बस बैंक स्टेटमेंट जमा करना है, साथ में एक लिखित एप्लीकेशन देना है, तो वो फटाफट देके देखते हैं, मेहनत का पैसा है यार। ठीक, वही अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है।